देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर भर देखो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आई देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर सीओ सिटी फर्स्ट प्रीति यादव पर लगे गंभीर आरोप। सीओ फर्स्ट प्रीति यादव पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर कार्यवाही न करने के अपना दल पार्टी के हाफिज गुफरान अली महानगर अध्यक्ष ने लगाए आरोप। अपना दल पार्टी के हाफिज गुफरान अली महानगर अध्यक्ष ने आज डीआईजी कार्यालय पहुंचकर सीओ फर्स्ट प्रीति यादव पर लगाए भूमाफियाओं के साथ मिलकर कार्यवाही न करने के आरोप। गुफरान अली महानगर अध्यक्ष ने डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर सीओ फर्स्ट प्रीति यादव पर धोखाधड़ी व षड्यंत्र करने वालों के साथ साठगांठ करके अपराधियों को लाभ पहुँचाने वाले भूमाफियाओं के साथ मिलकर उन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। आपको बता दें, पूरा मामला सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र का है, जहां पर अपना दल पार्टी के महानगर अध्यक्ष गुफरान अली ने कुछ लोगों से प्रॉपर्टी ली थी, पर उन लोगों ने फर्जी कागजात दिखाकर गुफरान अली से एक मोटी रकम वसूली थी, जिसके बाद गुफरान अली ने इन लोगों की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी थी। एनबीडी से शारिक जफर की खास रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मैं गुफरान अली, महानगर अध्यक्ष अपना दल। क्या मामला है? डीआईजी साहब से इसलिए मिलने आए थे कि थाना मंडी क्षेत्र में कुछ भूमाफिया है जिनके खिलाफ 20-25 मुकदमे दर्ज हैं। 17 मुकदमों की सूची भी हमने साथ लगाई और कई प्रार्थना पत्र उनके खिलाफ दिए। थाना मंडी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, फिर एसएसपी साहब को हमने दिए। एसएसपी साहब ने सीओ प्रीति यादव को उसकी जाँच दी। लगभग 4 महीने हो गए, हमने जाके बयान भी दर्ज कराए, उनके सारे सबूत भी उन्हें दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर उनके हौसले बुलंद हुए, उन्होंने 13 तारीख को फिर हमारा पीछा करा, फिर हमें धमकाया, फिर हम एसएसपी कार्यालय आए तो एसएसपी साहब नहीं थे, प्रीति यादव जी बैठी थी नगर कोतवाली में। हमने मुकदमा कायम कराने के लिए दिया था, वो भी दबा के बैठ गई। प्रीति यादव भूमाफियों को पूरा संरक्षण दे रही है, पैसे वाले लोग हैं, इसके पीछे क्या वजह आप कुछ समझ सकते हैं। कौन लोग हैं, नाम बता सकते हो? रोहल अमीन, अब्दुल कदीर, बहुत बड़े भूमाफिया, सबको पता है। उनके खिलाफ 20 मुकदमे कायम है और देहरादून के गैंगस्टर भी है, रहने वाले यहाँ के हैं, पैसा उनके पास ज्यादा है, पैसा लूटते हैं। हमारे साथ भी 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी थी उन्होंने, चेक हमने साथ लगाए, उनके हाथ के लिखा हुआ दिया, सब सबूत दिए, उसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस सरकार से, योगी सरकार में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जी। और सहारनपुर में आप जो बता रहे हैं 20 मुकदमे हैं, गैंगस्टर भी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है प्रीति यादव द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री है, कठोर कार्रवाई करने के करते हैं। सबको मालूम है अपराधी आसपास भी नहीं है, लेकिन इन अपराधी को हौसले बुलाने 13 तारीख को हमारा पीछा करा, फिर धमकी दी और कहा आप कहीं भी चले जाओ, ये पैसे हम तुम्हारे पे खर्च कर देंगे। हम ये गुहार लगा रहे हैं ऐसे डीआईजी साहब से कि इसमें हमारी मदद की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाए।